हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब। नेचुरल्स की वो टेंडर कोकोनट आइसक्रीम तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना, जब खाते तो ऐसा लगता है कि आप ना वो नारियल पानी पी रहे हैं और खा रहे हैं। जब वही रेसिपी घर में बना लें तो क्या ही बात है। वैसे भी इस कोविड के टाइम पे हम बाहर तो जा नहीं पा रहे हैं, तो चलिए आज मैं आपको अपने तरीके से घर पे ही टेंडर कोकोनट आइसक्रीम बिल्कुल नेचुरल स्टाइल में बनाकर बताती हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ओके, जैसे कि मैंने ये पहले भी बोला कि ये ना मैं अपने स्टाइल में बनाने वाली हूँ, तो मैं क्या करने वाली हूँ, कम क्वांटिटी में ज़्यादा चीज़ बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए तो जब आइसक्रीम आप कम क्वांटिटी में ज़्यादा बनाना चाहें तो एक ही फॉर्मूला है। इसमें ना हम दो ऐसे पाउडर डालते हैं जो कि मिल जाते हैं मार्केट में। अगर मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे ना, तो आप अमेज़ॉन लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से ले लीजिएगा। चलिए अब ज़्यादा मैं बकवास नहीं करती हूँ, डायरेक्ट ही रेसिपी पर आ जाती हूँ। तो यहाँ पर आप एक बाउल ले लीजिए, इसमें हम कुछ पाउडर्स डालेंगे। अब वो पाउडर्स क्या होने वाले हैं देख लीजिए। सबसे पहले तो इसमें मैं डाल देती हूँ चीनी। तो यहाँ पर मैं टोटल ना 7 चम्मच चीनी डालने वाली हूँ। इतनी चीनी सफिशिएंट होती है, लेकिन अगर स्टिल आपको चीनी कम लगती है तो वो आप आगे चल के एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आइसक्रीम है ना, वो हल्की सी कम मीठी ही अच्छी लगती है। अब इसके साथ में इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच मिल्क पाउडर। अब इसमें हम डाल देते हैं कॉर्नफ्लावर। तो 2 चम्मच यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया है, अगेन हीप करके डाला है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 2 चीज़ें, एक है GMS पाउडर और एक है CMC पाउडर। तो जो GMS पाउडर होता है ना, वो हम यहाँ पर 2 चम्मच डालेंगे। देखिए यहाँ पर जो मेरे पास GMS पाउडर है ना, ये फ्लेक्स के फॉर्म में है। ये आपको पाउडर के फॉर्म में भी मिलता है, तो आपके पास जो हो आप वो ले लीजिएगा, या फिर आपको जो मिल जाए आप वो ले लीजिएगा। और इसी के साथ में इसमें हम एक और चीज़ डालेंगे, ये है CMC पाउडर। तो यहाँ पर ना हम CMC पाउडर सिर्फ 1/4 टीस्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। क्योंकि देखिए मैं आपको ना दोनों ही पाउडर का ना रोल एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो GMS पाउडर होता है ना, उससे हमारी आइसक्रीम फूलती है और क्वांटिटी में डबल हो जाती है और हल्की बनती है, जिसके कारण वो बिल्कुल मार्केट वाला लुक और टेक्सचर आएगा और साथ में टेस्ट भी आएगा। और CMC पाउडर का क्या रोल होता है, जो हमारी आइसक्रीम होती है ना, उसे हल्का सा चिकनाहट देने के लिए हम CMC पाउडर का यूज़ करते हैं। अगर CMC पाउडर आपने इंक्रीज़ कर दिया या ज़्यादा डाल दिया ना, तो अजीब सी लगने लगेगी आपकी आइसक्रीम। तो 1/4 टीस्पून सफिशिएंट है। देखिए यहाँ पर मैं सारी ही चीज़ें मेजर करने के लिए ना, ये जो नॉर्मल घर में खाना खाने वाली चम्मच होती है ना, उसका यूज़ कर रही हूँ, ताकि आप सभी को पता चल जाए कि एग्जैक्ट मेजरमेंट कितना है। तो चम्मच का ना बिल्कुल हीप भर के मैंने यूज़ कर लिया है। अब मुझे लगा था ये छोटे बाउल में हमारा काम हो जाएगा, लेकिन ये छोटा बाउल ने बोल दिया भाई इतना अत्याचार ना करो। तो मैंने ना फिर बड़े बाउल में सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी, और इसमें अब हम ना दूध डाल के इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे करीबन 1/2 कप दूध लग गया था इसका घोल रेडी करने के लिए। यहाँ पर जो हम दूध इस्तेमाल करेंगे वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, ज़्यादा बॉइलिंग वाला भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल फ्रिज वाला ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अब इसका ना जो हमें पेस्ट बनाना है, वो बिल्कुल एक ना लंप फ्री वाला बनाना है। तो मेरे पास ये विस्क है, तो मैं विस्क से ही बना रही हूँ इसका पेस्ट। तो बहुत ही ईजिली बन जाएगा और इसमें कोई गुठलियाँ भी नहीं रहेंगी। चलिए ये हमारा पेस्ट रेडी है। यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर दूध उबलने रखा हुआ है। दूध हमारा उबल चुका है, और देखेंगे जब आप दूध को उबालें ना, तो बीच में एक आध बारी चला दीजिए, ताकि पतीले में ना दूध लगे ना। अगर दूध लग गया ना पतीले में, तो बस आपकी आइसक्रीम गई। क्योंकि फिर आप कितना भी कोशिश कर लेना, आपकी आइसक्रीम से वो जली वाली स्मेल जाएगी ही नहीं। इसलिए ना थोड़ा बीच में चलाते रहें, ताकि आपकी आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट बनकर निकले। तो दूध हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। धीरे धीरे डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आपने सारा पेस्ट डाल दिया उसके बाद इत्मीनान से फिर 1-2 मिनट बाद आप इसे मिक्स कर रहे हैं, तो फिर मिक्स नहीं होगा और गुठलियाँ पड़ जाएंगी, क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लावर डाला है ना। तो बस जैसे जैसे डाल रहे हैं वैसे वैसे मिक्स करें। वैसे हर कोई ना स्पून से करता है, लेकिन मुझे बेस्ट लगता है एक विस्क यूज़ करना। विस्क से यूज़ करते हैं ना, बहुत ही आसानी से ये हो जाता है और बिल्कुल लम्स भी नहीं पड़ते हैं, और अच्छा हमारा घोल बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए इसे हमें पका लेना है। अब इसे हमें कब तक पकाना है,
इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये जो हमारा मिक्सर है ना ये गाढ़ा गाढ़ा नहीं लगने लगता। मतलब जैसे हम रबड़ी बनाते हैं कैसे वो गाढ़ी लगने लगती है ना, बिल्कुल वैसा आपको ये घोल लगने लगना चाहिए। देखिए किस तरीके से, अगर मैं स्पून से भी इसे हल्का सा स्क्रेप आउट कर रही हूँ ना तो ये बिल्कुल क्लीन स्पून हमारी फिर दिख रही है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। अब इसे हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, उसके बाद फ्रीजर में फ्रीज करेंगे। और ये जब ठंडा हो जाएगा ना तो ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है। तो ये जो हमारा मिक्सर है ये अब ठंडा हो चुका है, तो इसे मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और जिस भी बाउल में आपको इसे फ्रीज करना हो उसमें ट्रांसफ़र करके इसे फ्रीज़र में हम ओवरनाइट रखेंगे। करीबन 5 से 6 घंटे के लिए तो इसे आपको फ्रीज़ करना ही है ताकि अच्छी तरीके से फ्रीज़ हो जाए। एक सीक्रेट बताऊँ, ये मुझे ना इस स्टेट में ही खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि हम ना रबड़ी खा रहे हैं, कुल्फ़ी टाइप खा रहे हैं। तो मुझे ना इस स्टेप में ना ये खाना बड़ा ही पसंद आता है। जब आप अपने घर में ट्राई करें ना तो इस स्टेज में खाइएगा एक बार, फिर बताइएगा आपकी और मेरी चॉइस मिलती है कि नहीं मिलती है। चलिए, क्योंकि यहाँ पर हम टेंडर कोकोनट आइसक्रीम बना रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें टेंडर कोकोनट की मलाई चाहिए। वैसे तो ना जैसे टेंडर कोकोनट की आइसक्रीम बनती है तो उसमें पानी भी डाला जाता है टेंडर कोकोनट का, या फिर कोकोनट क्रीम भी डाली जाती है, लेकिन हम ज़्यादा अटेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम पे ये सारी चीज़ें कहाँ ही से लेकर आएंगे आप, कहाँ से ही आप कोकोनट मिल्क का इंतज़ाम करेंगे। तो बस आजकल टेंडर कोकोनट तो हर कोई ले रहा है प्रिकॉशन के उससे ना, तो यहाँ पर ना मैंने करीबन 3 से 4 टेंडर कोकोनट की ना मलाई ले ली है। अब 3 से 4 एक साथ कैसे लाएंगे, क्या करेंगे ना, जैसे लेकर आए हैं मलाई निकाल के ना फ्रीज़र में रख दीजिए, फिर जब 3-4 कोकोनट की मलाई इकट्ठा हो जाए फिर आप आइसक्रीम बना लीजिएगा। वैसे हमारे यहाँ ना दिल्ली में अभी इतना महंगा हो गया ना, अभी 80 रुपये का एक कोकोनट आ रहा है। आपके एरिया में क्या रेट है मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। यहाँ पर ना टेंडर कोकोनट की जो मलाई है उसके पीछे ना ये ब्राउन ब्राउन जो लगा हुआ है ना, ब्राउन स्किन को हम हटा लेंगे क्योंकि हमें हमारी आइसक्रीम बिल्कुल वाइट चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सारे टेंडर कोकोनट को क्लीन कर लिया, उन्हें ना छोटा छोटा, थोड़ा सा जो बड़ी मलाई थी ना उसे मैंने छोटा छोटा कट भी कर लिया है। अब इसे ना हमें चर्न कर लेना है, चर्न इन द सेंस इसका ना हमें पेस्ट बनाना है। अब पेस्ट बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जब आप उसे छुएं तो आपको ऐसा लगे कि आप बिल्कुल मैदा का घोल छू रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हल्का सा तो उसमें दरदरापन आना ही चाहिए, क्रंच नहीं दरदरापन आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारी टेंडर कोकोनट की मलाई का मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है। अगर आपको लगता है कि पेस्ट नहीं बन पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये ड्राई है, तो या तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टेंडर कोकोनट वाटर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा दूध डाल के इसका आप पेस्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए ये जो हमारी मलाई का पेस्ट है इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। चलिए टेंडर कोकोनट आइसक्रीम की जान तो रेडी है, अब देख लेते हैं वो आइसक्रीम का हाल क्या है जो कि हमने फ्रीज करने के लिए रखा था। देखिए ये ना अच्छा मस्त वाला फ्रीज हो गया, मतलब पत्थर जैसा फ्रीज हो गया है। ये अभी आइसक्रीम नहीं है भाई, इसे हम अभी नहीं खाएंगे क्योंकि अगर आप ऐसे में खाएंगे ना तो बोलेंगे भाई ये कहाँ से नेचुरल्स वाली आइसक्रीम है। बस इतना कड़क जब जम जाए ना तो इसे अब हमें डिमोल्ड करना है और फिर इसे हमें ना बीट कर लेना है। इस स्टेज के लिए ना आपको बीटर चाहिए या फिर फूड प्रोसेसर है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। अगर बीटर और फूड प्रोसेसर दोनों ही नहीं है ना तो बड़ी ही मुश्किल आएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, ग्राइंडिंग जार में भी इसे ना थोड़ा सा डाल के इसे आपको फेंट लेना है। बेसिकली इसे ना हमें फुलाना है, जैसे हम व्हिप क्रीम को कैसे फुलाते हैं ना, जस्ट डबल या ट्रिपल क्वांटिटी में हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही ये भी हो जाएगी। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, एक बड़े बाउल में इस आइसक्रीम को ट्रांसफ़र करें, फिर इस तरीके से बीटर से इसे चलाते हुए फुला लें, लेकिन स्टिल इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये जो हमारी आइसक्रीम है ये अच्छी जम गई है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाने वाली हूँ। यहाँ पर है मेरे पास फूड प्रोसेसर। अब फूड प्रोसेसर में वो जो आटा गूंथने वाली ब्लेड होती है ना, बस उसका यूज़ करेंगे और फिर इसमें ये जो हमने आइसक्रीम जमाई थी ना उसे हम डाल देंगे और इसे अब हमें बीट कर लेना है। स्टार्टिंग में तो ये थोड़ा कड़क है तो टाइम लगेगा, तो स्टार्टिंग में स्पीड स्लो रखिएगा और फिर इसे हाई स्पीड में आप इसे बीट कर लीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा कि ये जो आइसक्रीम है ये गर्म नहीं होनी चाहिए, ठंडी ही रहनी चाहिए, क्योंकि अगर गर्म हो गई तो जितनी भी आपने इसे फुलाई है ना ये, और फिर ना ये वापस से ठोस हो जाएगी। और फिर जब आप इसे बीट करते रहेंगे ना तो आप देखेंगे कि
अभी तो ये देखिए कैसे इसमें क्रंच दिख रहा है ना, क्रंच इन द सेंस बिल्कुल स्मूथ और प्लेन नहीं दिख रही है, मतलब इसे अभी हमें बीट करना है। इसे हमें तब तक फेंट लेना है जब तक ये बिल्कुल स्मूथ नहीं लगने लगती। जी हाँ, ये बिल्कुल ना स्मूथ लगने लगेगी, ऐसा लगेगा कि कोई क्रीम ही है। तो ये देखिए, ये हमारी आइसक्रीम कितनी अच्छी तरीके से व्हिप हो गई है, बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल स्मूथ जिसे आप कह सकते हैं। अब इस स्टेज में इसमें हम डाल देते हैं कोकोनट का पेस्ट जो कि हमने रेडी करके रखा था। अगर आपके पास कोकोनट एसेंस है ना, तो वो भी आप इसमें ना थोड़ा सा, मतलब आधी छोटी चम्मच कोकोनट एसेंस डाल सकते हैं, उससे और ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब बस इसे वापस से मिक्स करेंगे और ये हमारी आइसक्रीम रेडी है, खाने के लिए नहीं, अभी जमाने के लिए। और अगर इस स्टेज में ना आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर आपको मीठी कम लग रही है तो इसमें आप थोड़ा सा ना पाउडर्ड शुगर डाल सकते हैं, ग्रैनुलेटेड शुगर नहीं डालना है। मीठी कम क्यों लग सकती है, क्योंकि इसमें हमने ढेर सारा कोकोनट का पेस्ट डाला है ना। अब क्योंकि वो टेंडर कोकोनट की मलाई का पेस्ट है तो उतना मीठा नहीं होता है, तो उस कारण से इसमें हमें थोड़ा सा पाउडर शुगर डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब इसे फ्रीज करने के लिए हम एक डब्बे में ये आइसक्रीम को डाल देंगे, और ताकि इसके ऊपर क्रिस्टल्स ना जमे, इसके ऊपर ना मैं एल्यूमिनियम फॉइल लगा रही हूँ, और फिर इसे हम ढक्कन बंद करके फ्रीज़र में रख देंगे ओवरनाइट या फिर 8 घंटे के लिए। अच्छी तरीके से ये फ्रीज हो जानी चाहिए। और फिर अगले दिन देखिए, ये हमारी आइसक्रीम कितनी अच्छी तरीके से जम चुकी है, इसका टेक्सचर भी बिल्कुल वैसा ही आया है जैसा कि मार्केट का होता है, और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही है, कोई डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकता। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं ना, तो अगर आप ये आइसक्रीम उन्हें खिलाएंगे ना, तो उन्हें लगेगा कि ये रियल में मार्केट की आइसक्रीम है। चलिए अब इसे हम स्कूप आउट कर लेते हैं, अंदर का टेक्सचर देखिए बिल्कुल वैसा ही है ना जैसे कि मार्केट की आइसक्रीम्स में आता है। और देखिए बढ़िया तरीके से मैंने इसे डीमोल्ड कर लिया है, इसकी बॉल्स भी बहुत ही सुंदर सुंदर निकल के आई हैं। मन कर रहा है इस पिक से ही इसे उठाकर खा लूँ, इतनी अच्छी लग रही है। उम्मीद है आप सभी को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, टेक्स्चर टेस्ट बहुत ही उम्दा बनकर निकला है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।